बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट पेपर न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ और कोशिश करेंगे कि एक एक करके तमाम चैप्टर्स के अबाउट 1991 से लेके 2022 तक के हम लोग पास्ट पेपर्स की न्यूमेरिकल्स डिस्कस करें। पहली वीडियो के लिए हम लोगों ने सिंध बोर्ड की नई किताब का चैप्टर 10 सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स सेलेक्ट किया है, क्योंकि बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है। आइए इसका सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हमारे पास जो डिस्कशन है वो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन का है। तो 2018 में एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो वो क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो देखें सवाल क्या कह रहा है। सवाल में मेंशन है कि 4 ग्राम्स ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 2.5 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, 2.5 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलैरिटी। अच्छा, देखें सवाल में मोलैरिटी और pH दोनों कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इस वक्त मैं क्या करूँगा कि मोलैरिटी को बिल्कुल ही pH को बिल्कुल ही इग्नोर कर दूंगा और हम लोग सिर्फ मोलैरिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि pH का डिस्कशन फिर हम लोग एसिड बेस के चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, 4 ग्राम्स ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 2.5 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलैरिटी। हम एक एक करके तमाम डेटा को सॉर्ट आउट करते हैं। भाई NaOH 4 ग्राम्स ये डिसॉल्व हो रहा है, तो ये क्या हो गया सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूट। और ये डिसॉल्व हुआ है 2.5 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2.5 डेसीमीटर क्यूब। अब ये बात याद रखिएगा, मोलैरिटी में हम लोग सॉल्यूट की डिसॉल्विंग पढ़ते हैं इन सॉल्यूशन, नॉट इन अ सॉल्वेंट। पर्टिकुलरली हम सॉल्वेंट की बात नहीं करते, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में डिसॉल्व हो रहा होता है तो उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस में ये डिसॉल्व हो जाएगा। अब सवाल के अकॉर्डिंग हमने फाइंड करना है कि भाई अगर 4 ग्राम्स NaOH 2.5 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा तो मोलैरिटी क्या है। तो आइए पहले इसका डेटा बनाते हैं। डेटा में मास ऑफ NaOH आ गया 4.0 ग्राम्स लिख दिया, ये सॉल्यूट का मास हो गया। अच्छा, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 2.5 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हमारे पास आया 2.5 डेसीमीटर क्यूब। और फाइंड क्या करने को कहा जा रहा है, मोलैरिटी। चलें भाई, मोलैरिटी ये हो गई हमारे पास अननोन क्वेश्चन मार्क। अब सॉल्यूशन परफॉर्म करें तो इस 2018 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोलैरिटी का पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, कि बहुत ही सिंपल सा आसान सा जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ये डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। डेसीमीटर क्यूब और लीटर्स दोनों सेम यूनिट है, यानी कि इक्वल यूनिट है, जबकि सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर्स इक्वल यूनिट है। अगर सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर्स में हमारे पास वॉल्यूम होगा तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इस वक्त डेसीमीटर क्यूब में है तो कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पे एक चीज आप देखें कि फॉर्मूला कह रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सवाल में डेटा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो वैल्यूज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये रहा और मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम्स क्वेश्चन में। तो अब क्या करें, तो हम इस मास को अगर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते तो हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है मोल्स इसी जगह पे कैलकुलेट करके लिख दें या फिर अलग से कैलकुलेट करके लिखें। भाई मोल्स आप जानते हैं कि मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है रेशियो ऑफ द मास ओवर
मॉलिक्यूलर मास, यानी मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मैं अलग से कैलकुलेट करूं या यहीं पे मोल्स की जगह पे मोल्स का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दूं, तो यहां पे मैं करता हूं कि भाई इसी फॉर्मूले में एक्सपेंड कर देते हैं ना, ताकि अपने काम को आसान करें। तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम जो कि ऑलरेडी सॉल्यूशन का गिवन है इन डेसीमीटर क्यूब। मास सवाल में गिवन है, वॉल्यूम सवाल में गिवन है, क्या गिवन नहीं है सवाल में? मॉलिक्यूलर मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास सवाल में गिवन है। तो Na का एटॉमिक मास होता है 23 amu, यानी के एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन का 16 होता और हाइड्रोजन का 1 होता। इन सबको कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या बनेगा? 40। तो हमने 40 इसका मॉलिक्यूलर मास लिख दिया, ठीक है जी। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 हो गया। इन तमाम वैल्यूज को अब हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मास हमारे पास है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है और वॉल्यूम भी हमारे पास है। तो 4 डिवाइडेड बाय 40 और वॉल्यूम क्या है ये यहाँ पे हमने सवाल में लिख दिया, वॉल्यूम 2.5 डेसीमीटर। इसको कैलकुलेट करें तो भाई ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये हमने कैलकुलेटर में लिखा। तो इसकी वैल्यू बनती है अराउंड 0.04 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2018 के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, जिसमें मोल्स और वॉल्यूम गिवन थे और हमने एक एक करके उनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और आंसर 0.4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आया। इसके बाद हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, 2017 का सवाल करता हूँ, 2017। तो 2017 का ये क्वेश्चन है कि 19.6 ग्राम्स ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन। अच्छा, आगे ये कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ NaOH शुड बी डिसॉल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ द सेम मोलैरिटी एज दैट ऑफ H2SO4। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ और हम इस क्वेश्चन को अगर देखें तो सवाल में दो डिफरेंट पार्ट्स डिस्कस हुए। पहले पार्ट में H2SO4 के सॉल्यूशन का जिक्र है, दूसरे पार्ट में NaOH के सॉल्यूशन का जिक्र है। और किस तरीके से जिक्र है कि अगर आप गौर करें तो पहले पार्ट में लिखा है 19.6 ग्राम्स ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी नहीं गिवन, ठीक है। तो पहले तो हम निकालेंगे मोलैरिटी ऑफ H2SO4। दूसरे पार्ट में देखें तो लिखा है व्हाट मास ऑफ NaOH शुड बी डिसॉल्व इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, तो NaOH का आपको मास निकालना है। तो दूसरा पार्ट हमारे पास क्या बनेगा कि हम NaOH का मास कैलकुलेट करें।
अच्छा ये NaOH का जो मास कैलकुलेट करना है, ये हम कैलकुलेट तो करेंगे, हम मेंशन कर देते हैं कि भाई मास ऑफ NaOH फाइंड करना है, लेकिन देखिए लिखा हुआ है कि NaOH का मास जो निकालना है वो इस कंडीशन पे निकालना है कि NaOH की भी कंसंट्रेशन उतनी ही हो जितनी H2SO4 के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। तो भाई अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास पहले पार्ट के लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला लगे कि मास मोल्स ओवर वॉल्यूम। अब मोल्स भी गिवन नहीं है, वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हम क्या करें, हम इसको एक्सपेंड कर दें, मोल्स की जगह पे लिख दें मास ओवर मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो जो इस सूरत में हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, एक ही फॉर्मूला लिख देते हैं, तमाम बातों को उसी में एक्सपेंड कर देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। तो ये पहले पार्ट के लिए हमारे पास डिस्कशन हुआ, सही। दूसरे पार्ट में हमें मास निकालना है, तो आप इसी फॉर्मूले को देखें, इसी फॉर्मूले में मास का भी जिक्र है, ये मोलैरिटी का फॉर्मूले में। अगर इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली मॉडिफाई करें तो हमारे पास सेकंड सेकंड पार्ट के लिए इस मास का डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि आप देखें मास ऑफ NaOH कैलकुलेट करना, तो मास का फॉर्मूला क्या बना, मॉलिक्यूलर मास उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉल्यूम भी उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1000 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मास का, ये पहले पार्ट का फॉर्मूला हो गया, ये दूसरे पार्ट का फॉर्मूला हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले पार्ट के फॉर्मूले से मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है ताकि दूसरे पार्ट के फॉर्मूले में आप मोलैरिटी की वैल्यू को लिख सकें। ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो भाई सॉल्व करते हैं, हमने पूरे सवाल को एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के आगे, अब सॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं। सॉल्यूशन में पहला पार्ट हम सॉल्व करें तो भाई मास इनटू दी 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू दी वॉल्यूम व्हिच इज इन सेंटीमीटर क्यूब। मास की वैल्यू 19.6 है, वॉल्यूम की वैल्यू 500 है, लेकिन नहीं मालूम तो क्या नहीं मालूम, मॉलिक्यूलर मास नहीं मालूम। H2SO4, दो हाइड्रोजन एक सल्फर चार ऑक्सीजन, तो जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखनी थी वो लिख दी। अब मॉलिक्यूलर मास 98 बनता है, ये 98 कैसे बनेगा ये भी मैं साइड में कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, चार ऑक्सीजन मौजूद हैं, दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, एक सल्फर मौजूद है, सबको कैलकुलेट किया तो ये 64 ऑक्सीजन की जगह पे आया और सल्फर की जगह पे 32 आया और हाइड्रोजन आपके पास क्या बना, 2। तो ये बनता है टोटल 98, वो जो मैंने यहाँ पे लिख दिया था। वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब, इसको भी मैं यहाँ पे लिख दूँ और फिर कैलकुलेट करें। अच्छा जी, इन सब को कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, जीरो पॉइंट फोर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब पहले पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, अब इसी पार्ट से हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी कि अब दूसरा पार्ट ये है कि NaOH का ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.4 हो, ठीक है। अच्छा, फाइंडिंग मास ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, तो मास कैलकुलेट करेंगे, मास इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, एंड हेयर द वॉल्यूम इज इन सेंटीमीटर क्यूब, तो डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से, मोलैरिटी की वैल्यू 0.4 आ जाएगी, मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40 आ जाएगा, वॉल्यूम सवाल में कितना मेंशन है ये है 250 और डिवाइड बाय 1000 क्या आ जाएगा भाई, अराउंड 400।
तो ये क्या बना, मास बना हमारे पास 400 ग्राम्स। अच्छा जी, अब ये सवाल तो सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। ये था 2017 का क्वेश्चन, अब वो करते हैं 2014 का सवाल सॉल्व। 2014 में सवाल था, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4.5 ग्राम्स ऑफ NaOH, 4.5 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 500 cm³ ऑफ वाटर। देखिए जरा सवाल। अच्छा, सवाल हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, सवाल को गौर से देखिएगा। मोल्स और वॉल्यूम हमारे पास होना चाहिए मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए। मोल्स होने चाहिए सॉल्यूट के और वॉल्यूम होना चाहिए डेसीमीटर क्यूब या लीटर में सॉल्यूशन का। इस सवाल में 4.5 ग्राम्स ऑफ NaOH का जिक्र है, यानी कि मोल्स मेंशन नहीं, मास मेंशन। फिर वो डिसॉल्व किस में, 500 cm³ ऑफ वाटर में। वॉल्यूम भी हमारा डिजायर्ड नहीं है सेंटीमीटर क्यूब में, यानी इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तब डेसीमीटर क्यूब या लीटर में ये वैल्यू आएगी। तो हमारे पास ऊपर भी हमने एक मोलैरिटी का फॉर्मूला मेंशन किया था इसी वीडियो में, इससे पहले वाले सवाल में, कि जहाँ पे तमाम ये बातें मेंशन की थी कि भाई ये कंडीशन हो तो क्या करेंगे। तो भाई हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा कि मास इनटू दी 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू दी वॉल्यूम व्हिच इज इन सेंटीमीटर क्यूब। मास सवाल में 4.5, मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40, वॉल्यूम सवाल में 500 cm³, 1000 एज इट इज रहेगा। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक एक वैल्यू को। तो मास की जगह पे 4.5, मॉलिक्यूलर मास की जगह पर 40 और वॉल्यूम हो गया 500। इसको हम सॉल्व करते हैं, 4.5 × 1000 डिवाइडेड बाय 40 और ये वॉल्यूम है 500। ये बनता है अराउंड 0.225 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, या मोलर कैपिटल एम लिखें, ये इसका यूनिट मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। देखिए मोल्स का यूनिट मोल्स होता है, वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब है, इसलिए मोलैरिटी का यूनिट बना मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये 2014 का सवाल। इसी तरीके से 2013 का एक सवाल है कि 3.86 ग्राम्स ऑफ NaOH डिजोल्व इन 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलैरिटी। फिर से कह रहा हूँ, 3.86 ग्राम्स ऑफ NaOH डिजोल्व इन 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलैरिटी। ये 2013 का सवाल। तो देखें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, वॉल्यूम आपके पास डिजायर्ड यूनिट में, मोल्स नहीं है मास है, तो इसको कैलकुलेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो ये सवाल आप लोग अगर चाहें तो खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 2013 का ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा, और देखते हैं सवालों को पास पेपर में। तो
2006 का हम लोग एक सवाल लिख रहे हैं जिसमें मेंशन है कि डिटरमिन द वेट ऑफ अ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 1.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन के। मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मास निकालना है। इससे मिलता जुलता सवाल 2017 में हमने किया था, जो NaOH का पार्ट था वो यहाँ पे हम रिपीट करेंगे। इससे पहले 2007 में भी एक सवाल आया, वो था फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 0.5 ग्राम्स ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। वो मैं स्किप कर देता हूँ, अब 2006 पे आ गए हैं तो 7 को स्किप कर देते हैं क्योंकि इसमें भी कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं। अच्छा, सॉल्व करें। मोल्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू द वॉल्यूम विच इज इन डेसीमीटर क्यूब। इस वक्त 1000 हमने नहीं लिखा, जहन में सवाल आ रहा होगा क्योंकि भाई वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में होता तो इस वॉल्यूम को हम करते डिवाइड, ठीक है, वॉल्यूम को डिवाइड करते 1000 से, जो फिर ऊपर चले जाता, तो अभी वो ऊपर जाएगा ही नहीं क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी डेसीमीटर क्यूब में है। वैल्यूज को लिखते हैं, मास कितना है ये तो निकालना है, तो मास कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी कितनी है, 1.2। मॉलिक्यूलर मास हम MR कर देते हैं इस वक्त, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों एम्स को। तो मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40, वॉल्यूम 5 डेसीमीटर क्यूब। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, और ये हमारे पास जवाब आ गया 240 ग्राम्स। 240 ग्राम्स इस सवाल का हमारे पास जवाब बन गया। अच्छा, ये था हमारे पास 2006 का सवाल। आगे बढ़ते हैं 2004। अ 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन is prepared by dissolving 1.26 grams of HNO3, calculate the molarity of the solution। तो देखें, गौर करें, सवाल में कोई भी नई बात नहीं। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवेन है, ठीक है, मास गिवेन है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का, मोलैरिटी निकालनी है निकाल लेंगे, कोई नया पैटर्न नहीं है, इसलिए इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व करिएगा। 2003 में एक सवाल आया कि व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इफ 38.6 ग्राम्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 2.5 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ये भी बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, अभी जो सवाल सॉल्व किया बिल्कुल तकरीबन वैसा ही है कि 2.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है, 38.6 ग्राम्स NaOH दिया हुआ है, मोलैरिटी निकालनी है, कोई ज्यादा मुख्तलिफ बात नहीं है, तो इसको भी हम स्किप करते हैं। आप लोग इसको चाहे तो सॉल्व कर लीजिएगा। 1998 का एक सवाल है, 1.2 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलैरिटी। तो 1998 के सवाल में 1.2 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड का जिक्र है जो कि डिसॉल्व हो रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, मोलैरिटी निकालनी है। ये भी बहुत आसान सी बात है, इसको भी स्किप कर देते हैं, कोई नई बात नहीं है, पैटर्न सेम है। 1996 में सवाल आया है कि भाई डिटरमिन द मास ऑफ HCl रिक्वायर टू प्रिपेयर 400 ml of 0.85 molar HCl solution। मास निकालना है, ये भी हमने देख लिया कि मास कैसे निकलता है, सेम पैटर्न है, कोई नई बात नहीं है, इसलिए इसको भी मैं स्किप कर रहा हूं। 1993, 0.04 grams of NaOH dissolve in 100 centimeter cube of water, calculate the molarity of the solution। देखिए, कोई नई बात नहीं। आगे बढ़े तो 1991 तक के मेरे पास सवाल थे, तो 92-93 में ऐसा कोई सवाल नहीं आया। अच्छा, आप लोगों के जहनों में अगर ये बात आ रही होगी कि भाई आपकी किताब में तो मोलैरिटी के भी सवाल हैं, मोल फ्रैक्शन के भी सवाल हैं, पार्ट्स पर मिलियन के सवाल हैं,
रॉल्स लॉ के सवाल हैं वो हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किए। तो बात यह है कि भाई पहले ये पास पेपर्स में आए नहीं कभी, आप लोगों की किताब तो चेंज हुई है, तो सॉल्यूशंस के टॉपिक से रिलेटेड जो पास पेपर में सवाल आए थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। हाँ, अगर जो बातें पास पेपर में नहीं है लेकिन किताब में, यानी कि वर्क एग्जाम्पल्स और असेसमेंट के क्वेश्चन, वो इंशाल्लाह हम लोग अलग से वीडियो बना के उसमें डिस्कस कर लेंगे। फिलवक्त होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।